हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं कि इंस्टाग्राम आईडी कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, उसके लिए टाइप करेंगे INST। यह है सबसे ऊपर में इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन, ये आप देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम लिख के आ रहा है, तो इस पर जस्ट क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड कर चुका हूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये इंस्टाग्राम अब ओपन करने का आ गया ऑप्शन। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इंस्टॉल लिख के आएगा, तो आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका भी ये इंस्टॉल होने के बाद आपका ओपन का ऑप्शन आने लग जाएगा। तो ओपन पर क्लिक करते हैं। तो ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इंस्टाग्राम अब खुल रहा है। अब यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन आ रहा है, या तो लॉगिन कर सकते हैं अगर पहले से आपके आपका आईडी है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो नया आईडी बनाने के लिए आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस जगह पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। तो हम चलिए नया अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि या तो अपने जीमेल आईडी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल नया फ्रेश बना सकते हैं। तो नॉन ऑफ द अबव हम क्लिक करते हैं और फुल नेम लिखते हैं। जैसे मैं ये टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, तो आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे नेम लिख देंगे। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, टेस्ट अकाउंट, और उसके बाद इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है कि पासवर्ड आप क्या रखना चाहोगे। तो पासवर्ड कम से कम छः डिजिट्स का होना चाहिए। पासवर्ड क्या है, 6 लेटर्स का कम से कम होना चाहिए, नंबर और लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड डालते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बोल रहा है कि अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक कर देंगे सेव पे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट करके सेट पे इस बटन पे क्लिक कर देंगे, सेट पे। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा आ रहा है यूज़र अकाउंट यूज़र नेम सेलेक्ट करने का। तो या तो आप जो यूज़र नेम लिख के आ रहा है उसी पर उसी को रख सकते हैं, या तो आप चाहें कि अपना तरफ से कुछ नया बनाना चाहिए, इस जगह पे कुछ अपने हिसाब से रखना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे जो आपको पसंद है, टेस्ट डेमो, और ये अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑप्शन आ गए इतने सारे, तो इनमें से कोई सी पिक कर सकते हैं या फिर नया कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई एक पिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे। अब यहाँ पे आपको डालने आ गए मोबाइल नंबर, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब एक SMS आएगा कंफर्मेशन कोड, तो वो कंफर्मेशन कोड यहाँ पे डाल देंगे। अब थोड़ी देर में ये मैसेज आ गया, कंफर्मेशन कोड ले लिया है। अब ये आई एग्री वाला बटन जो आ गया है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ये कुछ देर तक घूमेगा, उसके बाद फिर आपका नया इंस्टाग्राम आईडी बनके तैयार हो जाएगा। इस जगह पे आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो सेट करेंगे, उसके लिए या तो स्किप कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस ऐड पिक्चर पे। अगर स्किप करना है, अभी नहीं सेट करना, बाद में सेट करना चाहते हो तो स्किप हो गया है अभी फ़िलहाल। आप बोला कि फेसबुक का सजेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए स्किप कर देते हैं, अभी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं कॉन्टैक्ट्स को। अब डिस्कवर पीपल, यहाँ पे जो भी आपके उस पर आएंगे, मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स में जो भी नंबर सेव होंगे उनके सबके यहाँ पे आईडी आ जाएंगे, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आपका इंस्टाग्राम आईडी बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।